भारत में एक तरफ जहां कोरोना की रफ्तार में कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मौत के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। लगातार पांचवें दिन कोरोना से मौत का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,27,992 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए कुल लोगों की संख्या बढ़कर 4,20,80,664 हो गई। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 13,31,668 रह गई। इस दौरान देश में कोरोना से 1,059 और लोगों की मौत के बाद संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,01,114 हो गई। देश में अभी 13,31,668 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 3.16% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,03,921 की कमी दर्ज की गई। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 95.64% है। आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण की दैनिक दर 7.98% और साप्ताहिक दर 11.21% दर्ज की गई। देश में अभी तक कुल 4,02,47,902 लोग कोरोना का इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं और कोरोना से मृत्यु दर 1.19% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोरोना रोधी टीकों की 168.98 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख के ऊपर पहुंच गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।